फाइनली पहुंच चुके हैं स्टेडियम पवन। कैसा लग रहा है भाई स्टेडियम में आके? देखेंगे तो भी मजा आएगा। हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? भैया आज हम दोनों जा रहे हैं देखने के लिए फाइनली क्रिकेट मैच। जी हाँ, सीसीएल है ना। तो आज पहला मैच है भैया मुंबई का और केरला का, और ग्रैंड ओपनिंग है। और मजे की बात भैया, फ्री टिकट है। तो पहली बार देख रहे क्रिकेट? हाँ, सीसीएल तो पहली बार और स्टेडियम भी पहली बार जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो भैया चलते हैं, फ्री की टिकट है तो कौन छोड़ जाएगा। शारजा स्टेडियम में घर के पास ही है। तो विक्रांत भाई का कुछ काम पड़ा, वो तो चले गए भाई, और मैं रह गया भाई घर में अकेला। विक्रांत भाई तो चले गए छोड़ के, तो भाई मेरे को तो गैस जलाने आया नहीं, तो भाई खाना जैसा था रखा हो वैसे ही निकाल के खाना शुरू कर दिया तुम्हारे भाई ने। अब विक्रांत भाई से पूछता रहा भाई गैस, क्योंकि भाई यहाँ पे दूसरे तरीके का है, वो जलता नहीं मेरे से, उसी से जलता है। मैं जब वो जला के देते हैं तब जाके मैं कुछ करता हूँ। तो आज वो चले गए कहीं काम से, तो भाई घर में फंस गया मैं अकेला। तो भाई विक्रांत भाई आ गए हमारे नीचे, तो चलते हैं भाई उनके पास और देखते हैं भाई क्या क्या इंतजाम है उनके पास। भाई हमारे विक्रांत भाई भी हमारे लिए यही। इतना लेट जब फोन कब से किया मैंने? अरे भैया थोड़ा काम कुम कर रहे थे ना तो लेट हो गया। और मैच अगर छूट जाता तो? मैच अभी है, समय है भैया। आप गाड़ी घोड़ा नहीं है, आप पैदल चलना है, बस पकड़ना है। खाना हो गया कि नहीं हुआ? खाना खाया, चावल। मैंने कुछ नहीं खाया है भाई, मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया है। घर पे फोन भी छूट गया था, तो मैंने इसे बोला भाई थोड़ी वो ब्लॉगिंग कर ले, इसने क्या बनाया है वो आपको दिखाएंगे और मैं भी देखूंगा। अभी चलते हैं सीधा स्टेडियम जाना है, और पॉल भाई भी कह रहे कि वो भी आ रहे हैं साथ में। फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं हम लोग स्टेडियम में, और ये जगह वही है भाई जो फेमस है। अगर आप गूगल मैप में डालेंगे ना धोनी 6, तो आपको ये जगह यहीं पे लेके आती है। पवन कैसा एक्सपीरियंस है पहली बार मैच देखने का भाई स्टेडियम में? भाई अभी अंदर जाके पता चलेगा कि एक्सपीरियंस क्या है। आईपीएल तो सारे देखते हैं ना? आईपीएल देखता हूँ, क्रिकेट भी देखता हूँ। धोनी का 6 देखा था जो शारजा स्टेडियम से सीधा बॉल बाहर आई थी, वो तो नहीं देख पाया। यहाँ पे लाइव यहाँ पे गिरी थी बॉल, जहाँ तू खड़ा है ना इस समय, जहाँ तू खड़ा है गिरी थी। हाँ, यहाँ पे तो गूगल मैप सर्च करेगा तो ये वाला अफरीना स्वीट्स आता है। अच्छा, और ये वाला शारजा स्टेडियम है। थोड़ा सा हमें चल के जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई स्टेडियम के अंदर जो है ना पहली बार घुसूंगा, वो भी फ्री में दुबई में भाई, फ्री मान सकता है कोई? भाई लोगों को लगता है ना दुबई महंगा है, खर्चे बहुत है, भैया दुबई बहुत सस्ता है। और ये भैया अपना बूम बूम, और साथ में हमारे पॉल भाई भी साथ में आ रखे मैच ज्वाइन करने के लिए। पॉल भाई मार्केट में अपना सब्सक्राइबर मिला, ये बांग्लादेश का स्वीट बोला, फ्री में दिया भाई। मजे तुम्हारे आ रखे भाई, मजे तुम्हारे ही है भाई। स्टेडियम में ना शारजा स्टेडियम में मेरा आना दूसरी बार है, पहले जब मैं आया था जब आईपीएल हुए थे, और अभी भैया किस्मत से चांस मिल गया यहाँ पे आके मैच देखने का। और ये पॉल भाई कौन है, सिस्टर है आपकी? अपना गांव की सिस्टर है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि भाई लड़कियों को भी बड़ा इंटरेस्ट है मैच देखने का। दुबई में लड़की और दुबई में लड़कियों की लाइफ कैसी है? तो दोस्तों आज काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अभी सोनू भाई सुहेल भाई भी आ चुके हैं, और ये सिग्नल रूल भैया फॉलो करना है, रूल हमेशा फॉलो करना है। हाँ, और देख रहे भाई सड़क के किनारे पे शानदार खूबसूरत सा नजारा है, देखो भाई। अच्छा मैं क्या देख रहा था, जो लोग यहाँ पे रहते हैं इन बिल्डिंगों में उनको मतलब स्टेडियम से फ्री में मैच दिख जाता होगा, क्योंकि भैया बालकोनी में जो इस तरफ रहता होगा ना उनको दिक्कत नहीं है। बाकी हमने चिप्स लिया है, कोशिश कर रहे हैं कि इसको ख़त्म कर लें। पता नहीं कि यार अंदर अलाउड होगा कि नहीं होगा, ट्राई करेंगे, और लगभग टाइम भी अभी होने वाला है। और शारजा स्टेडियम में बहुत सारी मेमोरीज है भाई, बहुत सारी मेमोरीज है। और ये देखो भैया ये तो चले गए, रास्ता क्रॉस कर लिया, पर हमें गलती नहीं करनी भैया, पकड़े गए तो फाइन है भाई, तगड़े वाला। जब बात आती है फ्री की तो कोई ना नहीं बोलता, काम छोड़ दिया भैया, आज की दिहाड़ी चली जाएगी तुम्हारी। सोहेल भाई हाँ, सलमान खान के लिए आए वहाँ, और सोनू भाई आए हैं, नौकरी छोड़ दी आज की। हाँ आपने भी छोड़ दी नौकरी, और ये भाई को तो भैया आना ही था। राकेश भाई ने बोला कि मैं नहीं आऊंगा, मैंने कहा जर्सी पहन के आना भाई, चेक करो भाई, क्योंकि भैया आधे खिलाड़ियों के नाम हमें नहीं पता, ठीक है ना। वैसे सारे बॉलीवुड स्टार वगैरह हैं, थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में राकेश भाई बता देंगे, समझा दोगे ना। तो लो भाई चलो एंट्री करते हैं यहाँ से अपनी। दोस्तों हम हिंदुस्तानी के पास है एक शब्द जिसका नाम है जुगाड़, कि भैया अंदर ले जाने के लिए अलाउड नहीं था, तो हमने कहा भैया रुक जाओ 5 मिनट, हम ख़त्म कर देंगे सारे मिलके। तो भैया सारे लगे पड़े हैं, जो भी है सब ख़त्म करने में लगे हैं, क्योंकि भैया मेहनत का पैसा है ना, बर्बाद होने नहीं देंगे। लाओ भैया हमें भी खिलाओ फिर।
हाँ पवन भाई, टेंशन हो गई थी जब टिकट स्कैन नहीं हुआ था। हाँ, अब गर्दा उड़ेगा। चलो भाई, अभी यहाँ से हम लोग करते हैं अपनी एंट्री। टिकट मैंने स्कैनिंग नहीं हुई, टेंशन हो गया, फिर हो गया। सहेल भाई, टिकट में दिक्कत हुई थी अपने आईफोन से 9x जूम मारा है और सामने भाई ये देखो भैया रितेश देशमुख, ये है भैया मुंबई की टीम और हम लोग भैया मुंबई की टीम को ही सपोर्ट करने आए हैं। अब क्या कर रहा है तू? स्टेडियम साफ कर रहा है क्या? फिर ये टिकट का मतलब थोड़ी सारा काम करवाओगे है राजेश भाई? अपनी कुर्सी खुद ही साफ करो। ये टीम वर्क आओ बैठे। अभी जो भैया नेशनल एंथम हुआ, कैसी फीलिंग थी सोहेल भाई? जय हिंद जय भारत वाले की प्राउड फील ब्रो, मस्त मजा आ गया यार। तो भैया जब अपने देश का तिरंगा लहराता है ना, इसको देख के तो वैसी खुशी मिलती है। और भैया जब नेशनल एंथम हुआ ना यार, मजा आ गया यार, है ना? गर्व से कहो हिंदुस्तान जिंदाबाद। अपना भैया लास्ट टाइम हम जब गए थे मोदी जी के शो में, जब वहाँ पे हुआ और आज यहाँ पे लगभग सारे इंडिया से लोग आ रखे हैं। देखो भाई हमारे कहाँ से भाई? इंडिया से, पाकिस्तान से। किसको सपोर्ट कर रहे हो आज? भाई सपोर्ट, भाई और भाई को भी सपोर्ट करो, पॉपकॉर्न खाओ। फ्री का टिकट मिलने का मतलब ये नहीं कि पॉपकॉर्न के पैसे बचाने, सही बात है कि नहीं भाई? पॉपकॉर्न भी खाना है और कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है। हम ही लेंगे भाई, ये हमारे स्पॉन्सर है। कहाँ, मुल्तान से हो? सही। ये देखो भाई, मतलब थोड़ा सा गर्म का माहौल होगा, तभी तो मजा आएगा यार मैच देखने का। अच्छा अभी तो सोहेल खान दिखा और रितेश देशमुख, बाकी का तो मैं नाम नहीं जानता। चलो मजा आएगा। भाई देखो, हमारे विक्रांत भाई जो है ना मुंबई का फ्लैग लेने के लिए, ये देखो लाइन में लग गए भाई। ए भिड़ गए भाई, भिड़ गए भाई, ले के रहेंगे विक्रांत भाई, तो ले के आएंगे पक्का, जरूर, यकीन है मुझे। ये देखो भाई, ले लिया भाई, ले लिया, मुझे यकीन था। मुंबई हो चुका है मैच स्टार्ट। ये भैया केरला की टीम कर रही है फील्डिंग और मुंबई, और मुंबई की टीम कर रही है भैया बैटिंग। और बोला था कि सलमान खान आएगा, हमने देखा नहीं अभी तक। और यहाँ देखो भाई माहौल, देखो भाई गर्म माहौल एकदम। तो चलो भैया आज देखते हैं कि बॉलीवुड के सितारे कैसा मैच खेलते हैं, क्रिकेट लाइव एक्सपीरियंस। और अभी बैटिंग कौन कर रहा है ये पता नहीं, चलो जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। यहाँ देखो भैया गर्मा गर्म माहौल होगा भाई, झंडा लहराया जा रहा है हिंदुस्तान का, मुंबई का, केरला का। ये देखो भाई, ओ भाई, एक केरला का साउथ यानी कि एक्टर जो होता है 10-10 विलन पे भर जाता है, ये किस खेत की मूली है भाई। और एक मजे की बात है, जैसे बात कर रहे थे ना, ये देखो भाई जो लोग यहाँ रहते होंगे ना इन बिल्डिंगों में, वो तो फ्री में देख, ये देखो एक जना देख भी रहे हैं, ये देखो यहाँ अभी, हाँ यहाँ सबकी खिड़की खुल गई भाई, ये देख रहे हैं भाई। और वहाँ भाई सब बालकनी से मैच देख रहे हैं भाई, वैसे भी टिकट तो फ्री है,
मैं तो कहना चाहूंगा जब भी आओ ना तो जहाँ पे स्टेडियम हो ना वहीं पे अपना रूम बना और फ्री में लिफ्ट उठाओ। 14 रन पे 3 आउट हो गया यार, अभी झंडा लेके गलती कर रहे। सलमान भाई किधर हो, आओ यार अभी एंट्री मारो यार। उड़ दबंग 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 उड़ दबंग ए विलन। अरे राजेश भाई तुम्हें गुस्सा क्यों आ गया, तुम तो क्रिकेट प्लेयर हो ना एक। भाई मैं क्रिकेटर हूं भाई, इसलिए गुस्सा आ रहा है। किस चीज को लेके ये बताओ। वो कैच छोड़ दिया, वो सिक्स मारा बम्बई वाला, अच्छा किया। अच्छा हां कैच छूटा, अच्छा हुआ। तुम्हारी बात करूं सुहेल खान से टीम में जगह दिलाऊं। अभी साजन भी तो है, अभी बात करेंगे। बोलो मुंबई से खेलना है केरला से खेलना है बताओ। नहीं 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 खेलना। मैं बोल सकता हूं यहां चिल्ला के। सुहेल भाई देख रहे भाई ये जिंदगी, नौकरी वाला आदमी नौकरी करता रह गया और जो 2 रन नहीं बना पाए वो खेल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। आगे बढ़ना है भाई, हम चिल्लाएंगे तुम्हारे लिए बाहर। ठीक है क्या कुछ फिक्स कर रहे हो कुछ? ये मेरा रिकॉर्ड। वाह दिखो दिखो भाई जोश आ गया भाई। हाँ ये हीरो रिकॉर्ड, ये राजेश भाई। देखो भाई सिर्फ नौकरी नौकरी के मारे हैं, नौकरी परिवार की जिम्मेवारी नहीं तो भैया तुम भी छक्के चौके लगा रहे होते हैं ना। गाइस चेक करो जिसके लिए भैया पूरी भीड़ है, सलमान खान। ये देखो भाई ये देख रहे, और भैया सारे लगभग खड़े हो गए भैया सलमान खान आया तो। ये स्टेडियम में पूरी भीड़ हो रही है सलमान खान के लिए। हैं बोल भाई, सलमान खान अभी आएगा इधर। अभी भैया सब लोग खड़े हो चुके हैं क्योंकि भैया यहाँ पे ना, यहाँ चेक करो रितेश देशमुख भैया इधर फील्डिंग में आ गए इधर सामने। आपको नहीं देख रहा है चिल्लो रितेश भाई। ए राजेश भाई, ए राजेश भाई कहाँ हो गया? ओ कैच कर ले। गया मुंबई, गया गया तुम्हारा रितेश। हमें तो मालूम नहीं था इसमें क्या होता है कि भैया पहले 10-10 ओवर के मैच होते हैं, फिर लीडिंग होती है, फिर उसके बाद मतलब पॉइंट का हिसाब किताब है। तो हम तो थक गए थे यार, समझ नहीं आ रहा था। और इतना मतलब कमेंट्री वगैरह भी नहीं हो रही, शोर शराबा तो हम लोग ही कर रहे हैं जी भर के। देखो गला बैठ गया मैं सुहेल भाई। अच्छा मजे की बात देखो ना, यहाँ पे जो लोग रहते हैं शायद वर्कर लोग ही हैं यार, घर के पास रहते थे। तो गाइस हम थोड़ा बाहर चले गए थे पवन को अकेले छोड़ के। हाँ भाई अभी आए थे भाई यहाँ तक। कौन? देशमुख। अच्छा हाय हेलो। वाह अबे ऐसे ऐसे कर रहा। वाह अच्छा सच में राकेश भाई। सिक्स 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 मुंबई जीतने वाली है, लास्ट बॉल रह गई है पर मैच बड़ा अजीब था। पहले 10 ओवर फिर 10 ओवर 10 ओवर और ये लास्ट बॉल ही देखो भाई। जिसको सपोर्ट किया भैया वही टीम जीती है। मैच तो खत्म हो गया भैया, सलमान खान तो 1 घंटे पहले जा चुका था भाई। गरीब नो एंट्री, गरीबो भाई वो सही बोलता है, गरीबो उसकी बात तो गलत है लेकिन सही बोलता है। गरीबो काम पे हो, ड्यूटी पे साला पैसा भैया। सुहेल भाई ड्यूटी छोड़ के आधी दिहाड़ी छोड़ के सलमान खान देखने आए थे, नहीं मिला गरीबो। और भैया काम पे हो, पैसा कमाओ वीरो तुम्हारा पास आएगा। सही बात है भाई। खैर इम्पोर्टेंट है पैसा दिरहम। असल में गए तो सब लोग थे भैया हीरो देखने, सलमान खान देखने। इतने लोग जो सामने खड़े ना, ये इन लोगों को आज अभी भी उम्मीद है कि भैया सलमान खान आएगा और हमें सेल्फी देगा, पर ऐसा कुछ ही नहीं है। सलमान खान की सेल्फी लेने से अच्छा रहे तो राजा की सेल्फी ले लो। तो ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।